वेलकम टू आवर दोस्तों, मैं हूँ सारा और मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं बच्चों का खबरनामा। सबसे पहले हेडलाइंस। मारू नामी कैट ने बना दिया है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। मोस्ट डोमिनोस टॉपन इन अ सर्कल का अमेजिंग रिकॉर्ड। जानिए कोकोनट ऑयल के फायदे। बॉनपेट फन करें इस समर में। बताएंगे आपको हाईएस्ट रोलर फेरिस व्हील के बारे में और अब खबरें तफसील के साथ। इंसान तो रिकॉर्ड्स बनाते ही हैं, मगर जानवर भी रिकॉर्ड्स बनाने लगे। मारू नामी एक जापानीज कैट को YouTube पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला। इस कैट की उम्र 9 साल है और 22 सितंबर 2016 में इसकी वीडियोस को 230 मिलियन टाइम्स देखा जा चुका था, जो कि किसी भी जानवर की वीडियो को देखे जाने वाला एक नया रिकॉर्ड है। चलिए हम भी देखते हैं मारू की कुछ वीडियोस। वाओ, कितनी क्यूट कैट है ना। प्यारे दोस्तों, टॉपलिंग एक फन वाली गेम है, मगर डोमिनोज इन सर्कल तो मेरी फेवरेट गेम है। पिछले दिनों अमेरिका में साइंसेस मशीन टीम ने एक डोमिनोज टॉपलिंग सर्कल की तामीर की, जिसमें बिंडर वन ने भी पार्टिसिपेट किया और टॉपलिंग की ये चेन 20 मिनट तक जारी रही, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आइए ये रिकॉर्ड देखते हैं। 3, 2, 1, go! Wow, so nice! कोकोनट मतलब नारियल, तो हम बहुत शौक से खाते हैं और नारियल का पानी भी पीते हैं। मगर नारियल का तेल इस्तेमाल कौन कौन करता है? अगर कोई दोस्त नारियल के तेल को नहीं पसंद करता तो इसके फायदे सुन लीजिए जरा। नारियल का तेल दिमागी इस्तराब को खत्म करता है। और तो नारियल का तेल जिस्म में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, जो बनते हैं बीमारियों की वजह से। तो अब भी आप नारियल के तेल को यूज नहीं करेंगे? गर्मी आ चुकी है और हम लोगों का स्विमिंग पूल पर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मगर कुछ दोस्तों को पता नहीं चलता कि स्विमिंग पूल पर कैसे फन करें। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी नहीं है जरूरत। बॉल पिट लें और उसमें एक दोस्त को बंद करें और पूल में फेंक दें और फिर करें एंजॉय। आए आपको दिखाते हैं। रोलर फेरीज पर तो हम सभी बैठे होंगे, मगर कोई द हाईएस्ट रोलर फेरी पर बैठना चाहेगा? ये रोलर फेरीज लास वेगास में है। ये रोलर फेरीज 550 फीट टॉल है और इसका डायमीटर 520 फीट है। इसको 31 मार्च 2014 में ओपन किया गया। इस पर बैठने के लिए दिल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अपना फीडबैक देने के लिए स्क्रीन पर मौजूद ईमेल आईडी पर हमें ईमेल करें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज बच्चों के खबरनामा पर। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ आज के खबरनामे का वक्त खत्म हो जाता है। बच्चों को बच्चों से बेहतर कौन जान सकता है, तो देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। अल्लाह हाफिज़।